हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आसफा फूड में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। ये स्वीट एंड टेस्टी है और ये आप लोग बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। आज मैं आटे के गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ। गुलाब जामुन आप लोगों ने कई तरीके से बनाए होंगे, कई चीज़ों से बनाए होंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए हम गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। ये देखते हैं हमें क्या चाहिए। ये मैंने एक बाउल आटा लिया है, गेहूं का आटा है, और ये मैंने एक बाउल दूध लिया है। दूध हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना यूज करेंगे। ये दो बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, इसी चम्मच से नापा है मैंने, और इसी चम्मच से नापकर दो बड़े चम्मच घी लिया है। ये हमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर चाहिए और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर और स्टफिंग करने के लिए काजू और किशमिश लिए हैं, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। ये मैं फूड कलर ऑरेंज कलर लिया है। ये मैंने 1 बाउल चीनी ली है चाशनी बनाने के लिए, और 1 ग्लास पानी लिया है चाशनी में डालने के लिए। आइए हम पहले डो बना लेते हैं गुलाब जामुन का। ये हमने आटा लिया और इसमें हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालेंगे, और इसमें 1/2 टीस्पून हम इलायची पाउडर डालेंगे, और 1/2 में चाशनी में डालूंगा, और ये मिल्क पाउडर डाल दिया। अब हम इसमें घी डालेंगे। ये 2 चम्मच घी है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे 1 पिंच। इससे गुलाब जामुन का कलर अच्छा आएगा। जैसे मार्केट से ऑरेंज कलर के गुलाब जामुन जब अंदर से खाते हैं तो लगते हैं, वैसे ही ये दिखेंगे। और ये इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको सॉफ्ट डो बना लेंगे इसका। जैसे हम रोटी बनाते हैं उसके लिए गूंथते हैं आटा, वैसे ही हमें इसका डो बनाना है। दूध को हमें थोड़ा थोड़ा डालना है जिससे ये पतला ना हो जाए, और हम इसको अच्छे से मिक्स करके गूंथ लेंगे। ये बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत सॉफ्ट रहते हैं ये गुलाब जामुन। आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं। ऐसे इस आटे को मल लें दोनों हाथों से। हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अभी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। इसको हम ढककर रख देंगे। जब तक हमारा आटा थोड़ा फूलता है हम चाशनी बना लेते हैं। ये मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें हम चीनी डालेंगे और 1 गिलास पानी डाल देंगे, और इसको चला देंगे। इसको हम अच्छे से चला देंगे जिससे हमारी चीनी नीचे चिपके ना और अच्छे से मेल्ट होकर चाशनी बनने लगे। आइए हमारा आटा फूल चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा और चिकना कर लेते हैं। हम हाथों पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको इस तरीके से चिकना करेंगे थोड़ी गुंदकी लगाकर। जिससे हमारे गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट बने और चिकने बनाने में उनमें क्रैक ना आए। हाथों पे आटा चिपकना नहीं चाहिए। इस तरीके से हम लोई को चिकना कर लेंगे। ये देखिए हमारा आटा चिकना हो चुका है। अब हम
हमने ये कढ़ाई में तेल लिया है और इसको हम गरम करने रख देंगे। गैस ऑन कर दी है, तेल गरम होने देते हैं। अब हम इसके गुलाब जामुन बना लेंगे। ऐसे हम थोड़ी सी लोई तोड़ेंगे, आटा लेंगे हाथ में और उसमें किशमिश रखकर उसका गोल पेड़ा बनाना है हमें। इस तरीके से हाथ से मल इसको दबा लेंगे पहले, और फिर इसको जैसे नींबू होता है उस तरीके से हम इसकी बॉल बनाएंगे। इतनी छोटी हमें इसकी चिकनी बॉल बनाना है, इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक हुआ तो हमारा गुलाब जामुन फट जाएगा। ये देखिए इस तरीके से चिकना होना चाहिए। ऐसे ही हम सारे गुलाब जामुन बना लेंगे। इस तरीके से सॉरी अभी मेरा गला खराब है इसलिए मेरी आवाज कहीं कहीं चेंज हो जाती है। इस तरीके से हमने ये देखिए अच्छे से बना ले। हम इसी तरीके से सारे गुलाब जामुन बना लेंगे। ये देखिए हमने सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं। हमारा इसमें आधा कटोरी दूध लगा है, ये मैं बताना भूल गई थी। अब हम चाशनी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी चाशनी बन चुकी है। हमें चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून, और क्योंकि हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है तो हम गैस ऑफ कर देंगे। और इसकी गैस हमने स्लो रखी है जिससे हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो, और हम इसमें गुलाब जामुन डाल देंगे। हमें इसको मीडियम गैस पे ही तलना है गुलाब जामुनों को, और हम इसको इस तरीके से चलाते हुए तल लेंगे। ये देखिए ये ब्राउन होना चालू हो गए हैं गुलाब जामुन। हमें इनको चलाते रहना है इस तरीके से इनको। धीरे धीरे चलाना है, अगर इनसे कलसी लग जाएगी तो ये फट सकते हैं, इसलिए हमको इन्हें आराम से तलना है। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन तल चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और हम इनको निकाल कर डायरेक्टली गरम ही चाशनी में डाल देना है, और चाशनी को भी हमें गरम ही रखना है गुनगुनी। हम सारे गुलाब जामुन डाल देंगे चाशनी में। गैस हमने बंद कर दी है। ये हमने सारे गुलाब जामुन डाल दिए हैं, और इनको हम 20 से 25 मिनट के लिए चाशनी में डाले रहेंगे। जब हम उसके बाद खाएं, हम इनको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने बाउल में निकाल लिया। हम इनको डेकोरेट कर देंगे पिस्ते से। ये हमारे गुलाब जामुन कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, और खाने में बहुत टेस्टी हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मेरे गुलाब जामुन आप लोगों को कैसे लगे। थैंक यू।